आपने किसान जन जागरण यात्रा निकाली है, वो क्यों निकाली है? देखिए, किसानों का इस योगी सरकार में और मोदी सरकार में जितना उत्पीड़न हो रहा है शायद किसी सरकारों में हुआ हो। आज किसान, योगी जी ने किसानों की हालत बहुत बुरी कर दी है। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना सरसों का मिल रहा, ना आलू का मिल रहा, ना गन्ने का मिल रहा, ना गेहूं का मिल रहा, गेहूं की फसल आने वाली है, ना धान का मिल रहा। जो 2200 रुपये लागत रुपये 2200 रुपये प्रति कुंटल धान का मूल्य जो उनके लागत मूल्य आ रहा है, उसके बदले में सरकार 1750 रुपये प्रति कुंटल खरीद रही है। जबकि यूपीए सरकार में हम किसानों को 4300 रुपये प्रति कुंटल दिया करते थे। आज हालात ये है कि आवारा पशुओं ने किसानों का सोना हराम कर दिया है और पशु सारी फसलों को खा जाते हैं। सारी रात रात किसान लोग खेतों पर उसकी रक्षा करते रहते हैं। अभी हाल में ही आगरा में एक किसान ने आत्महत्या करी जब उसकी सारी फसल ये पशु, आवारा पशु खा गए। हम लोग मांग करते हैं कि हर गांव में एक इस तरह की पशुओं को रखने के लिए गौशाला टाइप खोली जाए और वहां सब पशु बांध दिए जाएं। यदि नहीं बांधे गए तो कलेक्टर के दफ्तरों में और उनके घरों पर इन गायों को और इन सांडों को पकड़ के हमारे कांग्रेसी बांध देंगे। और 1370 को लेकर आपने टिप्पणी की, क्या इसको नहीं हटाना चाहिए था सर? देखिए, हटाने ना हटाने की बात नहीं है, मैंने आवश्यकताओं की बात करी कि आज किसान को गेहूं का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यहाँ के किसान को धारा 370 से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने ये कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कि उत्तर प्रदेश में या देश में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, तो वो मांग पहले है या 370 की मांग पहले है? मैंने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का क्या हाल है, इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ की हालात वहाँ के नेताओं को नज़रबंद कर रखा है, वहाँ की असलियत जानने के लिए यहाँ के MPs को वहाँ भेजा नहीं जाता, क्या स्थिति है ये तो वक्त बताएगा। तो हमने कोई 370 पर ये टिप्पणी नहीं करी, हमने ये टिप्पणी करी कि क्या चीज़ आवश्यक है और क्या चीज़ आवश्यक नहीं है। मोदी सरकार और योगी सरकार मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाकर अन्य मुद्दों पर ले जाती है और उसे अपने टेलीविज़न और मीडिया से प्रसारित करती है और जनता को गुमराह करती है। महंगाई 7वें आसमान पर है, सिलेंडर के दाम 950 रुपये हो गए हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। किचन जो है, रसोई बिल्कुल, आज गृहिणी को सोचना पड़ता है कि शाम को क्या खाना बनाऊंगी, अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाऊंगी, कैसे सब्जी पदार्थ खरीद के लाऊंगी, कैसे मसाले खरीद के लाऊंगी, गैस का सिलेंडर कैसे लाऊंगी। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। मोदी सरकार और योगी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी, सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हैं, उसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। झूठे आंकड़े GDP के प्रस्तुत किए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता है। अब मोदी और योगी सरकार की कलई खुल चुकी है। हमारी नेता CAA को लेकर ऐसी क्या चीज है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? हम सब चीज़ों का विरोध इस बात को कर रहे हैं कि ये मामले ऐसे अहम मुद्दे नहीं हैं। मैंने कहा महिलाओं की सुरक्षा प्रायोरिटी है, युवाओं को रोजगार प्राथमिकता है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले वो प्राथमिकता है, बिजली के बिल ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं वो प्राथमिकता है। मैंने आपसे कहा ना कि BJP मुद्दों को गुमराह करती है और डेविएट करती है। अब ये बताइए CAA को लाने की अच्छी कौन सी बारी जा रही है आपको? ये NPA को सरकार ले आई है तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ही नुकसान है। आपने नोटबंदी के नुकसान याद नहीं है, लोग कितने मरे थे व्यापार। CAA में भी जब आपको नहीं पता, जब टेक्निकलिटी, जब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और जब लोगों से मार्कशीट मांगी जाएंगी, उनके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उनके माँ बाप के सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, तो वो गरीब गुरबा आदमी, झोंपड़ी में बैठा हुआ आदमी कहाँ से लेके आएगा उनको? हमारा विरोध उसकी कार्य प्रणाली पर है और किस तरह क्रियान्वित होगी उसका विरोध है। थैंक यू।